गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियोस या पिछली हमने जो वीडियोस थी उसमें हमने कंप्यूटर के जितने भी टाइप्स थे उन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, लैंग्वेज क्या होती हैं? लैंग्वेज जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जब कोई वर्क करता है वो चूँकि कोई इंसान ही, जैसे हम बात करते हैं आपस में हिंदी में, इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज को हम जानते हैं, तो वो लैंग्वेज कंप्यूटर या कोई मशीन तो समझती नहीं है। तो उन लैंग्वेज तो उन मशीन्स पर काम करने के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा कुछ लैंग्वेजेस तैयार की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर को समझने वाली कुछ लैंग्वेज बनाई जाती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एमोंग ह्यूमन बींग। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज या कोई भी भाषा होती है किसी इंसान के बीच में कम्युनिकेशन करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। डिफरेंट कंट्रीज रीजन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर अ यूज़र ऑल्सो नीड्स टू हैव अ लैंग्वेज दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। देखो, दुनिया में कई सारी कंट्रीज हैं, कई सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो हर एक क्षेत्र या कहें कि हर एक जितना भी एरिया होता है, हर एक देश की अलग अलग अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। तो एक देश की लैंग्वेज कोई दूसरा देश नहीं समझ पाता। इसी तरह से कंप्यूटर्स पर काम करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पर भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जैसे कंप्यूटर समझ सकें। फॉर दिस पर्पस डिफरेंट लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑन कंप्यूटर। तो इसी काम के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है ताकि वो अलग अलग काम को कर सकें। बेसिकली लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ लो लेवल लैंग्वेजेस एंड द सेकेंड इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब ये लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों होती हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर मशीन कोड्स विच आर क्लोज टू देम। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस और इन इंग्लिश। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। देखो दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर को सीधे अपनी भाषा में, जैसे हम कुछ भी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं अगर उस भाषा में हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाता है। इसलिए कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है हम उस लैंग्वेजेस का वहाँ यूज़ करते हैं जिसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। यहाँ पर कुछ कोड का यूज़ किया जाता है जैसे 0 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 इनको हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं और इन्हीं नंबर्स का यूज़ किया जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस में ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके। ऐसे मशीन कोड लैंग्वेज भी या मशीन कोड भी कहते हैं। अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये भी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज एंड द सेकेंड इज़ असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ द लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप टू बी डेवलप्ड। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसका सबसे बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। सबसे लोएस्ट और मोस्ट एलिमेंट्री लेवल होता है इसका। और जब पहली लैंग्वेज थी जिसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में बनाया गया था। मशीन लैंग्वेज इज़ बेसिकली ओनली लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इन फैक्ट अ मैन्युफैक्चर डिज़ाइन अ कंप्यूटर टू ओबे जस्ट ओनली जस्ट लैंग्वेज, ठीक है। देखो, जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको बेसिकली जो बनाया गया है वो कंप्यूटर को समझने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ताकि कंप्यूटर जो यूज़र है वो क्या काम करना चाहता है, क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहता है उसको समझ सके। इसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। सॉरी, इट्स मशीन कोड विच इज़ रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर इन अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसे बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी नंबर्स कहते हैं 0 एंड 1, और इसी फॉर्म में इस मशीन कोड को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। द सिंबल 0 स्टैंड फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ
ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स. सिंस कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल इट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. देखो यहाँ पर जीरो और वन कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं. यहाँ पर सिंबल जीरो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पल्स जो सिग्नल आ रहे हैं वो वहाँ पर एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित यानी कि वहाँ पर सिग्नल नहीं है. और जो वन होता है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पल्स प्रेजेंट हैं यानी वहाँ पर उपस्थित हैं. तो इलेक्ट्रिक पल्स का होना या ना होना इन जीरो या वन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और जब कंप्यूटर इन सिग्नल को समझ लेता है तब वो उस मशीन लैंग्वेज को भी समझ लेता है. एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज. यहाँ पर हम मशीन लैंग्वेज के कुछ फ़ायदे भी देखते हैं. इट मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर ये जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को तेज और एफिशिएंट वर्क करवाती है. इट डज़ नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम ट्रांसलेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे जहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं होता, उसको कंप्यूटर डायरेक्ट ही समझ लेता है. डिसवान्टेज ऑफ मशीन लैंग्वेज. हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं. ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर. मतलब कि अब देखो मशीन कोड में इसको बना रहे हैं हम, तो जितने भी इसके ऑपरेशन या जितने भी कोड हैं वो हमको याद रखने पड़ते हैं. ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर. जितने भी मेमोरी एड्रेसेस हैं हमें वो भी याद रखना पड़ती हैं. इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू अमेंड और फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज. देखो अगर हम किसी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बनाते हैं तो वहाँ पर उसकी जितनी भी एरर होती हैं उनको ढूंढना और उनको सही करना बहुत ही मुश्किल होता है. दीज लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट दैट इज़ अ पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज कैन बी यूज इन ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर. अब देखो मशीन कोड मशीन लैंग्वेज जो होती है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है. इसका मतलब है कि अगर हम कोई मशीन लैंग्वेज बना रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर मशीन के लिए ही बनाएंगे. सपोज अगर हम किसी एक टाइप के किसी कंप्यूटर या एक टाइप के किसी सिस्टम के लिए मशीन कोड लैंग्वेज बना रहे हैं तो हम वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ उसी टाइप के सिस्टम में वर्क करेगी. नेक्स्ट देखते हैं हम असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या होती है. इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द मैनी इनकन्वीनियंसेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. दिस इज अनदर लो लेवल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल इंस्टीड ऑफ जीरो एंड वन. देखो जो असेंबली लैंग्वेज थी इसे क्यों बनाया गया था. इसे इसलिए बनाया गया था ताकि मशीन लैंग्वेज में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको कम करने के लिए. ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन ये थोड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं. अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स को हम जानते हैं जैसे हम ए बी देखो हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी. तो उन्हीं सिंबल्स का यूज़ यहाँ पर किया जाता है. किसकी जगह पर? ज़ीरो और वंस की जगह पर. यहाँ पर हम ज़ीरो वंस का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स का. दीज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स विल बी नोन एस निमोनिक कोड एंड कैन हैव मैक्सिमम अप टू 5 लेटर कॉम्बिनेशन. ये जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल होते हैं इनको हम निमोनिक कोड भी बोलते हैं. और ये 5 लेटर या 5 जो वर्ड्स वो 5 जो लेटर होते हैं जैसे ए बी सी डी इनको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेटरों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है. जैसे हम कुछ निमोनिक कोड देखते हैं जैसे यहाँ लिखा है ए डबल डी एड. एड जो निमोनिक कोड है ये एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि अगर किसी चीज़ को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम ऐड का यूज़ करते हैं. एस यू बी यानी सब, इसका यूज़ हम सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है यानी कि अगर किसी चीज़ को माइनस करना है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. इसी तरह कुछ और भी निमोनिक कोड होते हैं जैसे स्टार्ट लेवल ईटीसी. बिकॉज ऑफ दिस फीचर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब देखो इस फीचर के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. दिस लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट एंड नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर इट बिकॉज वेरी लिटिल इंग्लिश सपोर्ट इज़ गिवन टू दिस लैंग्वेज. अब देखो
ये जो लैंग्वेज होती है ये बहुत ही कठिन होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो यूज़र या जो प्रोग्रामर है अगर उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है तो वो पहले बहुत वो उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। द लैंग्वेज मेनली हेल्प्स कंपाइलर ओरिएंटेशन। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द असेंबली लैंग्वेज आर ऑल कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। देखो, अब हमने मशीन लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को बना तो लिया, लेकिन अब उसको हम किसके लिए बना रहे हैं? कंप्यूटर के लिए। वो कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं तो कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश के जो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड हैं वो तो वो समझते नहीं हैं, तो फिर क्या करें? इसके लिए हमको एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर का काम क्या होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। यानी कि हमने जितने भी अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स वहाँ पर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में दिए हैं, जैसे एड्स सब्ट्रैक्शन के लिए सब लेटर ईटीसी, ठीक है, तो उन सबको कन्वर्ट किस में कर देगा? करेगा जीरो एंड वन की फॉर्म में, ताकि वो इलेक्ट्रिक पल्स जो सिग्नल हैं उनको समझ सकें। अब यहाँ पर हम एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, कुछ असेंबली लैंग्वेज के कुछ जो फ़ायदे हैं वो देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। अब देखो, जो प्रोग्रामर होता है उसको अल्फा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट समझना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसी कारण जो असेंबली लैंग्वेज है वो समझना उसको यूज़ करना मशीन लैंग्वेज के कंपेरिजन में बहुत ही ईजी हो जाता है। इट इज़ ईजी टू लोकेट और करेक्ट एरर्स। अब जैसे कि अगर हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, किसी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, किसी भाषा को समझ रहे हैं, तो उसके जितनी भी गलतियाँ या एरर्स हैं उनको हम फाइंड यानी इसको ढूंढ भी सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड ईजीली। तो हम अगर हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, भाषा को, तो हम उसमें कुछ चेंजेस भी या बदलाव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब हम इसके कुछ नुकसान भी देखते हैं। लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। सिंस इट इज़ मशीन डिपेंडेंट द प्रोग्रामर मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। अब चूंकि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, इसलिए हम किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक स्पेशल सिस्टम के लिए इस लैंग्वेज को ही बनाएंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और उसके हार्डवेयर के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज गिव फॉर्मेट क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज़ टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स ईजीली एंड इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज एनवायरमेंट, जैसे इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि हमने असेंबली लैंग्वेज में देखा, हम असेंबली लैंग्वेज में क्या करते थे? इंग्लिश के कुछ अल्फाबेटिकल जो वर्ड थे उनका यूज़ करते थे, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। अब चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी यूज़र या प्रोग्रामर को अच्छी तरह से आती है, उसको समझ में आती है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग इस लैंग्वेज से भली भांति परिचित होते हैं यानी इसको जानते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेजेस दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड और मैथमेटिकल सिंबल रेदर देन निमोनिक कोड। निमोनिक कोड जैसे हमने पढ़ा था कि ए डबल डी एड सब एडिशन के लिए यूज़ करते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, पूरे पूरे वर्ड का यूज़ करते हैं, और कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड, इनका भी यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन द शोइंग वन टू मेनी ट्रांसलेटर। अब देखो, जैसे हमने की देखा था कि अगर असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर हम उसको कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती ही है। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मैनी लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। सम आर फेयरली स्पेशलाइज्ड वेयर एज अदर आर ऑफ क्वाइट जनरल पर्पज। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी खास काम के लिए भी कर सकते हैं या फिर किसी जनरल पर्पज, किसी आम काम के लिए भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूज़ दे आर कैटेगराइज एज फॉलोज। अब देखते हैं हम किस किस काम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम
एलजेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग। दिस लैंग्वेजेस आर ओरिएंटेड टुवर्ड द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम। अब देखो जो जो एलजेब्रिक फॉर्मूला टाइप लैंग्वेज होती है उसका यूज़ हम कंप्यूटेशनल प्रोसेस कर, यानी कि जो गणनाएं जो आंकड़े जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे हम मैथमेटिकल के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं इस लैंग्वेज के, जैसे बेसिक, फोटोन, PL फर्स्ट या PLI, एल्गोल, APL, और इनके कुछ फुल फॉर्म भी हैं। जैसे बेसिक का है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक कोड, फोट्रॉन का है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, PLI का है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1, एल्गोल का है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, APL का है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनके फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड देखते हैं हम बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। दिस लैंग्वेज एम्फेसिस देयर कैपेबिलिटीज फॉर मेंटेनिंग डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर एंड फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम, एग्जाम्पल आर कोबोल एंड RPG। तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग जो लैंग्वेज है, जो टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसका यूज़ हम डेटा प्रोसेसिंग के जो प्रोसीजर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो फाइल को हैंडल करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको शॉर्ट आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं कोबोल, जिसको बोलते हैं हम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। थर्ड टाइप है इसका स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंक्लूडिंग सर्च फॉर पैटर्न, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स आर लिस्ट और प्रोलॉग। देखो अगर हम किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर कैरेक्टर्स को जो होता है उसको इंसर्ट भी कराना होता है, और अगर गलत हो गया तो उसको डिलीट भी करना होता है, उसका एक पैटर्न भी बनाना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। लिस्ट का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, और प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इन लॉजिक। इसका फोर्थ टाइप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम OOP या OOP भी बोलते हैं। इन OOP द कंप्यूटर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं C++ और जावा। फिफ्थ है इसका टाइप है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज लैंग्वेजेस आर डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। देखो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी ऐसे प्रोग्राम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें विजुअल की ज़रूरत होती है तो इन एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। इनके कुछ टाइप्स हैं जैसे विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल सी। इनके कुछ जो सिंबल दिए गए ये सामने दिए गए, जैसे जावा का सिंबल दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का सिंबल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एडवांटेज देखते हैं हम, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। ये यूज़र फ्रेंडली होती है, क्यों होती है? क्योंकि देखो ये ज़्यादातर ऐसी लैंग्वेज में बनाया जाता है जिससे जो यूज़र या डेवलपर होता है वो उसको अच्छी तरह से जानता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को। इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश विथ वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बॉल। अब चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज से ही बनाया जाता है तो इसकी जो वोकेबलरी और जो शब्द होते हैं उनसे उनको एक्सपर्ट अच्छी तरह से जानता है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट। इसको लिखने में कम समय लगता है। अब जैसे अगर हम मशीन कोड को लिखें या किसी और दूसरी असेंबली लैंग्वेज लगे तो उसको समझने में, उसको लिखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन चूंकि अब इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो जिसको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती है उसको यहाँ लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन। इसको मेंटेन करना बहुत सिंपल होता है। इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन बेस्ड। मशीन बेस्ड में हम प्रॉब्लम को ज़्यादा ढूंढ नहीं पाते थे, मशीन जो लैंग्वेज होती थी उसमें, लेकिन इस लैंग्वेज में हम प्रॉब्लम को ढूंढ भी सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मेनी मशीन लैंग्वेज एंड देयर फोर कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर और फॉर विच दे एग्जिस्ट एंड अप्रोप्रिएट ट्रांसलेट। तो देखो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है
ऐसे हम लिख सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी मशीन लैंग्वेज में, जिस भी कंप्यूटर में हम चलाना चाहते हैं उस कंप्यूटर सिस्टम में हम उसको चला सकते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन ऑन विच इट इज़ यूज्ड, दैट इज प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर। अब चूंकि जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, जैसे हमने पढ़ा था जो मशीन लैंग्वेज होती थी वो मशीन डिपेंडेंट होती थी, यानी कि हम किसी खास सिस्टम या एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ही उस मशीन लैंग्वेज को बनाते थे। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम अगर एक लैंग्वेज बना ली हमने तो किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी अदर सिस्टम में इसको चला सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसे हम देखते हैं। अ हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर एंड अ प्राइस एंड कंप्यूटर टाइम स्पेड। अब देखो, हमने चूँकि इसको हाई लेवल लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को बनाया, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम को समझने के लिए उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है। द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय अ ट्रांसलेटर माइट बी इनएफिशिएंट कंपेयर्ड एन इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। जो ऑब्जेक्ट को जनरेट किया गया ट्रांसलेटर के द्वारा, हो सकता है कि वो इनएफिशिएंट हो कंपेयर टू इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हमने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।